सबसे पहले अपने सारे सब्सक्राइबर्स को दीपावली की शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए दीपावली दीप का त्यौहार प्रकाशमय हो, आपके जीवन में सारी जो अंधकार है वो दूर हो। तो इन्हीं चीज़ों को आगे ले चलते, मेरे कुछ सब्सक्राइबरों के अनुरोध था कि मैं कुछ एक दो वीडियो ऐसे बताऊं जिनमें मुझे ये मैं उनको ये बता सकूं कि हाउ टू इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट। और वो तो मैंने बताया था कि किस प्रोसीजर से हमें मनी लगाना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक दो स्टॉक मंथली में बताया करिए या मंथ में उनको बताया करिए कि जो गुड परफॉर्मिंग स्टॉक है जिनमें पैसा लगाने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये मेरी कोशिश है कि मैं एक दो स्टॉक ऐसे बताऊं जिनमें अगर आप पैसा लगाएं तो शायद आने वाले समय में पैसा डबल हो सकता है। बट लेकिन अपने पैसे के जिम्मेदार हम लोग खुद ही होते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये पैसा इसमें लगेगा तो डबल ही होगा, ये मेरा एक सजेशन है। इसको आप अपने पैसे को अपने आइटम एडवाइस लेकर ही इस मार्केट में उतरे, किसी मेरी एडवाइस पे इस मार्केट में ना उतरे। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि हाँ इन पैसों पर इन पर अगर यहाँ पर अगर मनी लगती है तो शायद ये आने वाले समय में गुड परफॉर्मिंग स्टॉक है, आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे ले चलते हैं। ऐसे एक दो स्टॉक मैंने छाँट रखे हैं और इनको आप वीडियो को आगे ले चलते हैं। आइए आप अपोलो इस हॉस्पिटल एक अच्छे व्यू पर है। अगर आप इस अपोलो हॉस्पिटल का परफॉर्मिंग स्टेज देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे और बुलिश व्यू पर है। और यहाँ पर से ये जो स्टॉक है और यहाँ पर से कुछ समय के लिए नीचे आएगा, मे बी हो सकता है इस लाइन को कवर करने दोबारा टच करने यहाँ आएगा। अगर हम इस लाइन को देखते हैं ये देखें, ये इसकी सपोर्ट लाइन है। और जहां पर भी अपोलो हॉस्पिटल नीचे को आता है और इसको फिर हम दोबारा पकड़ते हैं तो इसके टारगेट बहुत अच्छे हैं आने वाले समय को लेके। ये इसका डाउनफॉल था जिसमें इसने अपना एक डाउनफॉल दिया था यहीं पे, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि अगर हम अगर इसको अच्छे से देखेंगे और इसको शायद हम जूम करके देखते हैं हल्का सा, तो ये देखिए इसमें ये जो डाउन ट्रेंड था इसका, ये नीचे को आया स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से नीचे को आया और यहाँ पर से इसने एक अप ट्रेंड बनाया है। और ये अप ट्रेंड इसका हो सकता है मे बी ये जो अप ट्रेंड है इसका इस स्टॉक को दोबारा वहीं पे ले जाए लगभग 4,870 के करीब में। अगर ये स्टॉक में आप आज इन्वेस्ट करते हैं और इस स्टॉक में इन्वेस्ट तब करिएगा जब ये अपने इस लाइन को जो नीचे मैंने येलो रंग की लाइन खींची है इस लाइन को दोबारा छूने की कोशिश करेगा, अभी दोबारा नीचे की ओर आएगा, आप यहीं पे इस स्टॉक को इन्वेस्ट करेंगे और ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा आने वाले समय पर। दूसरा स्टॉक मैंने छांटा था हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी आप देखेंगे तो इसका भी जो व्यू बन रहा है ये काफ़ी स्ट्रांग व्यू में है अपने। और यहाँ पर तो आपको सीधे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना है कि हाँ कि हम इसको यहाँ पर इस अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये अच्छा खासा इसमें एक पैटर्न भी हमको दिख रहा है और इस पैटर्न के अनुसार ये जो स्टॉक आता है और ये अपने डाउन ट्रेंड को जो था इस डाउन ट्रेंड को इसने दोबारा काट दिया और ये अपने एक स्ट्रॉन्ग व्यू पे है। और इस व्यू के अनुसार इसका टारगेट जो होंगे 2600 के टारगेट में इसको दे सकता हूँ कि आने वाले समय में ये स्टॉक यहाँ पर से हिंदुस्तान यूनिलीवर ये स्टॉक यहाँ पर से अच्छा परफॉर्म करेगा और ये 2600 के टारगेट में आपको दिखेगा अगर आप 6 महीने का प्रोस्पेक्टस व्यू लेके इसमें आगे इन्वेस्ट करते हैं तो।
और इसका स्टॉप लॉस जो मैंने नीचे रेखाएं खींची हैं, उस रेखाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही उसका स्टॉप लॉस है। और अगर ये स्टॉक यहां पर से इस रेखा को दोबारा काटने की कोशिश करता है तो हम इसको स्टॉप लॉस मानेंगे, वरना ये स्टॉक यहां से ऊपर हो ही जाएगा। तीसरा मेरा एक अच्छा सा स्टॉक, मैं बहुत छोटे समय के लिए इसको दिया था, लगभग अभी ये 203 में है, इसको भी मैंने अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक आपको बताया था और मैंने अपने बहुत से लोगों को बताया था कि ये स्टॉक यहाँ पर से रन कर सकता है, लेकिन अब ये डाउन ट्रेंड में आएगा तो इसमें हम शायद मैं अपना रिटर्न तो ले चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं ले चुके होंगे, उन लोगों को ले ये स्टॉक में इन्वेस्ट अभी तो नहीं करना चाहिए, बाद में इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। SBIN की अगर हम SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी अगर हम बात करते हैं, ये स्टॉक गुड परफॉर्मिंग स्टॉक में है अभी, बट अगर हम इसका अनदर व्यू देखते हैं, उसको देख के थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर से भी स्टॉक आगे जाएगा, लगभग 5.5 का मेरा इसमें एक स्ट्रॉन्ग व्यू है कि अगर 530 में आप इन्वेस्ट करते हो, इसका स्टॉप लॉस अगर आप इसको नीचे आने दीजिए, 500 के लगभग में इसको आने दीजिए, लगभग 500 रुपये के लगभग में अगर ये आता है या फिर यहाँ से नीचे को ही जाएगा, मुझे लगता है कि 540-550 के बाद इसने दोबारा नीचे की ओर जाना है, तो इन स्टॉकों को आप देख लीजिए कि इन स्टॉकों पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दीपक नाइट्रेट एक अच्छा स्टॉक है, गुड परफॉर्मिंग स्टॉक बना हुआ है, दीपक नाइट्रेट में भी एक अच्छा व्यू मिलने की इसमें चांस है कि यहाँ पर से एक अच्छा व्यू ऊपर की ओर जा रहा है इसका, दीपक नाइट्रेट का, तो दीपक नाइट्रेट में भी आप इन्वेस्ट करेंगे ठीक है। यहीं पे से ये जो बिल्कुल व्यू है इसका स्ट्रॉन्ग बुलिश में है यहाँ पर से, और ये अपने दीपक नाइट्रेट का अच्छा व्यू जा सकता है आने वाले स्टॉक में, तो दीपक नाइट्रेट में भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, दीपक नाइट्रेट आपको एक अच्छा रिटर्न देने की तैयारी में बैठा हुआ है। तो हमेशा मार्केट जब गिरती है तो इस समय आपने देखा था कि मार्केट बहुत गिर रही थी, निफ्टी गिरी पड़ी थी, बैंक निफ्टी गिरी पड़ी थी, तो जब भी कोई मार्केट गिरती है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको तैयार करती है कि हमें कहाँ पर पैसा लगाना है, तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, अपॉर्चुनिटी को हमने देख लिया, दिवाली के समय में आई है, और इस अपॉर्चुनिटी में अगर हम लोगों को पैसा बनाना है तो यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन स्टॉकों पे, ये ब्रांडेड स्टॉक हैं, इन स्टॉकों पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में ये स्टॉक काफ़ी अच्छे फायदेमंद आपको दे सकते हैं। मैंने तो पहला स्टॉक बताया दीपक नाइट्रेट जो 2294 बना है, ये गुड परफॉर्मिंग स्टॉक है, आने वाले समय में अच्छा रिटर्न की तैयारी के लिए बैठा हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर गुड स्टॉक है, अच्छा रिटर्न के लिए बैठा हुआ है, 2600 इसका टारगेट है। दीपक नाइट्रेट अभी टारगेट तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से इसमें आराम से आप 2500-2550 इसमें जा सकते हो, ये आपके लिए अच्छा स्टॉक है। दीपक नाइट्रेट के बाद हम बात करेंगे SBIN, इंतज़ार करेंगे थोड़ा इसको और गिरने देंगे, और जहाँ पर से गिरता है इसको यहाँ पर से पकड़ लेंगे तो SBIN आपको डाउन ट्रेंड की ओर इशारा करेगा, क्योंकि अभी बहुत भाग चुका है। SBIN अब नीचे की ओर आएगा स्लाइस सी, तो मेरे ख्याल से इसका टारगेट हुआ मेरे ख्याल से 500, अगर ये नीचे की ओर गिरता है 530 से तो 500 इसका टारगेट इनफ है, वहाँ तक इसको आना चाहिए। और तीसरी बात हमने की थी अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में मैंने भी स्टॉक, इस अपोलो हॉस्पिटल को मैंने एक आपको व्यू बताया था कि अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छी जगह पर खड़ा हुआ है अपोलो हॉस्पिटल, और इस अपोलो हॉस्पिटल को अगर थोड़ा सा भी डाउन ट्रेंड में आता है तो हमने इसको वहाँ पर पकड़ लेना, नहीं तो यहाँ पर से ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से इस स्टॉक में पैसा लगाना भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ अब इस स्टॉक को पकड़ना, अपोलो हॉस्पिटल को हमने पकड़ना है, तो 4438 रुपये का स्टॉक है अभी, और मंडे की शायद ये
बहुत आगे भाग जाए और शायद ये थोड़ा सा स्लाइस स्लाइस नीचे को आए। तो हमने दोनों जगह पर ही इसमें रिटर्न लेने की तैयारी करनी है। पहला रिटर्न हम कैसे लेंगे कि अगर हमने इसको 10,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये इस स्टॉक में लगाते हैं हम लोग और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं 20,000 रुपये का, तो ये अच्छा खासा स्टॉक है, अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो इसमें जो टारगेट निकल के आता है मेरा ये 4,400 कुछ में है, तो 4,600 में इसका पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट इसका 4,800 है। 4,600 के बाद हम इसमें स्टॉप लॉस लगा देंगे अपना 10-20 पॉइंट नीचे करके और इसको चलने देंगे, और 4,800 के बाद तो बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें। तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न देने की तैयारी अपोलो हॉस्पिटल भी है। तो इन स्टॉकों में पैसा इन्वेस्ट करिए और आगे भी मैं कुछ स्टॉक बताते रहूँगा। और फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनको फॉरेक्स मार्केट अच्छी लगती है, उनके लिए मैंने व्यू छाटा था गोल्ड XAUUSD। तो उसमें भी अभी 1815 का लेवल है, 1815 के लेवल पे नीचे को आने दीजिए, मे बी 1800 आए या 1800-1790 आए, यहाँ पर गोल्ड को आप दोबारा पकड़ने की तैयारी करेंगे और यहाँ से ये गोल्ड फिर एक अच्छा रिटर्न देने की तैयारी करेगा। और दूसरा, मैंने अपने खुद ही बाई की थी बिटकॉइन, BTUSD। BTUSD एक अच्छा रिटर्न तो दिया, लेकिन अभी मार्केट खुल दे रही है, अभी भी रिटर्न तो अच्छे में ही है, वो मेरा अभी फायदे में ही चल रहा है। बट अगर मार्केट नहीं खुलती और ये डाउन ट्रेंड को आता है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस तरीके से इन्वेस्ट करिए कि मार्केट को आप एक अच्छे व्यू में देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको हल्का सा इसमें दिखाना चाहूँ कि BTSD करके BTSD को ट्रेड करने के लॉजिक क्या है, इनको किस नियम से आप ट्रेड कर सकते हो, तो इनके लिए भी कुछ ट्रेड लाइन बनाई गई हैं, कुछ चीजें सिखाई गई हैं मार्केट के अंदर। और फॉरेक्स मार्केट काफी वॉलेटाइल होती है, मैं भी मानता हूँ काफी वॉलेटाइल है, एकदम सारा पैसा निकल सकता है इसमें से। लेकिन अगर आप इसको सही समय पर, अगर आप इसको वॉच करते हैं और सही समय पर इसको पकड़ते हैं, तो आप इसमें अच्छा खासा फायदा भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं मैंने कल बिटकॉइन पकड़ी थी, लेवल थे मेरे मे बी 61,000 मेरा लेवल होगा, इस लेवल में मैंने इसको बिटकॉइन को खरीदा है। और बिटकॉइन जिस लेवल पे अभी चल रही है, यहाँ पर से अच्छा खासा मूव की तैयारी में ये बैठा हुआ है। मेरा इसका जो लॉजिक बना हुआ है कि मैं इसको सोचता हूँ कि अगर ये अच्छे एक मूव में आती है, तो ये इसका 65,000 का मेरा टारगेट है अगर ये मुझे मिलता है। तो इस लॉजिक में अगर बिटकॉइन आप मैं इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ बिटकॉइन एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो मैं इसमें आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा कि आप बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए एक नियम होता है, उस नियम में ट्रेड करिए। बिटकॉइन में एक ट्रेड लाइन हमेशा डालिए, ये देखिए। ये ट्रेड लाइन हमें दिखा रही है कि स्टॉक अप ट्रेंड में था। थोड़ा सा इसको छोटा कर दें आपको दिखाने के लिए, ये देखिए, ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था। सपोज दैट यहां से ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, ये देखिए कोने, नीचे के कोने अगर हम इसको मिलाएं तो यहाँ पर तक स्टॉक, यहाँ से ये स्टॉक अप ट्रेंड में आया, स्टॉक ने एक हाई लगाया, इस हाई से ये दोबारा गिरा है। इस हाई में आप लॉजिकली अगर आप इस हाई को देखते हैं, तो यहाँ से इसने एक डाउन ट्रेंड बनाया,
यहाँ तक ठीक है। ये कैंडल हमारी डाउन ट्रेंड की थी लास्ट, यहाँ पर हमने अगर इसमें फायदा लिया। फिर इसने एक हाई बनाया, ये हाई इस हाई से नीचे था, तो जनरल सी बात है कि ये हाई जब इस हाई से नीचे, पहला हाई जो है दूसरा हाई जो है, ये साफ दिखा रहा है कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आया हुआ है, तो फिर हम इस स्टॉक की दूसरी लाइन ये खींच देंगे ठीक है। अभी फिर स्टॉक ने तीसरा हाई बनाया है, ये हाई भी इस पर्टिकुलर हाई से नीचे था ठीक है, तो ये स्टॉक अभी भी हमारा डाउन ट्रेंड में, तो ये हमारी तीसरी लाइन चली जाएगी। और अब अगर इस लाइन को दोबारा स्टॉक ने यहां पर काटा है तो एक नया हाई दिया है, और ये हाई ये पहले दूसरे और तीसरा हाई से ऊपर है, तो अब स्टॉक क्या बना रहा है, स्टॉक अब अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, बिटकॉइन अब अप ट्रेंड की ओर जा रही है। अगर इसको ये फॉलो करेगी तो इस हाई को तोड़कर इसने एक नया हाई यहां पर करीब पे बनाना पड़ेगा, और जब ये नया हाई बनाएगी तभी हम इसको मानेंगे कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। और मेरे हिसाब से अब यहाँ पर से बिटकॉइन एक अप ट्रेंड में आई है, और अगर ये बिटकॉइन अप ट्रेंड में आती है तो ये आपको एक अच्छा लॉजिकली एक अच्छा रिटर्न आपको देके जाएगी। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम यही कह सकते हैं कि आपको मनी को सही जगह पर ही इन्वेस्ट करना है, और स्टॉक में दो चीज हमेशा देखनी है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो जो ये बताता है कि स्टॉक हाई की ओर जा रहा है या लो की ओर जा रहा है, और नीचे पे अगर आप मेरे चार्ट में नीचे की ओर देखेंगे तो ये मैंने एक किसी भाई ने डाला था इंडिकेटर, और इंडिकेटर इस इंडिकेटर को इस ट्रेडिंग व्यू के इस पैनल पे मैंने प्लॉट कर दिया है, जो ये साफ दिखा रहा है कि स्टॉक यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से ये जा रहा है, एक हाई तोड़ा, फिर यहाँ से गया इसने दूसरा हाई तोड़ा, और यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर जाने की तैयारी कर रहा है, और जो इस रेखा को काट के ये बता देगा कि ये एक अप ट्रेंड में आ रहा है।